कांग्रेस संगठन के द्वारा रीवा जिले के शहर और ग्रामीण अध्यक्ष बदल दिए हैं। निवर्तमान शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू और ग्रामीण अध्यक्ष त्रियोगी नारायण भगत शुक्ला ने पुराने कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और इस दौरान कहा कि जब से उन्हें कमान मिली थी संगठन को जोड़ने का काम किया। पिछले 5 दशक से नगर निगम में भाजपा का कब्जा था जिसमें कांग्रेस के महापौर को विजय मिली। इतना ही नहीं, रीवा विधानसभा में जहां 15-20 हजार वोट मिलते थे वहां 52 हजार वोट 2018 के चुनाव में प्रत्याशी को मिले थे, जो यह बताता है कि सभी कार्यकर्ताओं को लेकर संगठन के लिए कार्य किया है। अध्यक्ष द्वय ने कहा कि उन्हें जो भी जवाबदारी मिलेगी वह पार्टी के लिए उसी लगन के साथ कार्य करते रहेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस कमेटी के द्वारा शहर अध्यक्ष की जिम्मेवारी पूर्व पार्षद लखनलाल खंडेलवाल और ग्रामीण की जिम्मेवारी महापौर और विधानसभा का चुनाव लड़ चुके इंजीनियर राजेंद्र शर्मा को दी गई है। आइए आपको सुनाते हैं आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान निवर्तमान अध्यक्षों ने क्या कहा है। लंबे समय से कांग्रेस की सक्रियता में आम आदमी से लेके अपने कांग्रेस जनों को जोड़ने का काम लंबे समय से सक्रिय रूप में करता रहा। फिर मुझे एक जिम्मेदारी मिली 2018 में, 23 मई 2018 को शहर कांग्रेस अध्यक्ष बनने का अवसर प्राप्त हुआ। आदरणीय कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी कांग्रेस की मंशा अनुसार 4.5 साल के कार्यकाल में आप सब ने, पत्रकार साथियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, मंडलम अध्यक्ष, शहर के व्यापारियों ने, शहर के आम जनता ने और शहर के साथ साथ हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने, हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों ने, हमारे NSEI के साथियों ने, सभी प्रकोष्ठों के साथियों ने हमें भरपूर, बड़ों ने आशीर्वाद दिया, हमारे साथियों ने हमें सहयोग किया और छोटों ने स्नेह दिया। और मुझे जो सबसे ज़्यादा स्नेह कांग्रेस परिवार के साथ साथ आपका और रीवा की जनमानस का जो मुझे सहयोग मिला है उसके लिए मैं तहे दिल से पत्रकार साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ, कांग्रेस के सभी वरिष्ठ व युवा साथियों का, महिला प्रकोष्ठ के हमारी माताएं बहनों का। लोकतंत्र के आप स्तंभ हैं। जब जब हमने आपसे निवेदन किया, आग्रह किया, आपने मुझे बड़ी विनम्रता के साथ, स्नेह के साथ आपने अपने अखबार में, प्रिंट मीडिया में मुझे जगह दी, इसलिए आप सबका आभार करता हूं। और साथ ही हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष उदय, ग्रामीण शहर दोनों अध्यक्षों को, नए अध्यक्षों को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह नए लोगों को जोड़ने का काम हम सब कांग्रेस के परिवार लोग के लोगों ने किया था और आने वाले समय में हमारे दोनों दो अध्यक्ष नए आम आदमी को और नए लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे, जिससे कमलनाथ जी की मंशा राहुल गांधी जी की मंशा पर पूर्ण होगी और 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जय हिंद, जय भारत। आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति आपने अभी 13 तारीख को देखा होगा, स्नेह मिलन समारोह आपके सामने ही किया, आप सबको उसमें भरता रोटी में बुलाया, घर घर चलो अभियान बड़े विनम्रतापूर्वक और बड़े आक्रामक तरीके से, दोनों तरीके से हमने घर घर चलो अभियान किया। मुझे तो खुशी इस बात की है कि शहर अध्यक्ष रहते हुए हमने महापौर का चुनाव 2022 का जीता, जिसमें हमारे मंडलम, सेक्टर, पोलिंग, ब्लॉक, यूथ, NSEI, कांग्रेस के सभी साथियों ने मिलकर वह चुनाव लड़ा। अब मुझे तो इस बात की खुशी है कि जो कांग्रेस 2018 के पहले 20,000-25,000 तक में सिमट जाती थी, मेरे शहर अध्यक्ष बनने के बाद अभय मिश्रा जी यहां से चुनाव लड़े, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, हम सीधे 52,000 पहुँच गए। तो वो हमारी सक्रियता आपको दिखी होगी और आने वाले समय में सक्रियता और दिखेगी। पार्टी हित में जो भी अच्छे निर्णय होंगे हम सब सहयोगी के रूप में काम करके उसे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। 2000 आप सबका, कांग्रेस पार्टी के, ICC, PCC के हमारे जितने भी अधिकारी रहे, ब्लॉक कांग्रेस के सभी सम्मानित अध्यक्ष, मोर्चा संगठन के सभी सम्मानित पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, पूर्व सांसद प्रत्याशी, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, लोकसभा के सभी पूर्व प्रत्याशी, वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित पत्रकारगण, पोलिंग तक के सभी कार्यकर्ता साथी, सभी अधिकारी कर्मचारी, आप सबका
मेरे अध्यक्षीय कार्यकाल में जो सहयोग मिला उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ। साथ ही संगठन का दायित्व हमें जो ICC और PCC के निर्देशों का पालन करते हुए वर्ष 2018 से आज तक मिला उसके निर्वहन में हम लोगों ने चाहे कांग्रेस पार्टी का जो भी कार्यक्रम हो पूरी तरह से मिलकर शहर कांग्रेस ग्रामीण कांग्रेस और कांग्रेस के सभी साथी मिलकर उस दायित्व का निर्वहन किया। इस कार्यक्रम में मुझे सभी वरिष्ठ लोगों का पूरा सहयोग प्राप्त हुआ तथा 4.5 साल का कार्य करने का जो मौका PCC अध्यक्ष ने एवं रीवा के लोगों को जो भी PCC में स्थान देने का काम हमारे PCC अध्यक्ष ने किया है उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ तथा हमारे जो नवनिर्वाचित हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी हों जिला ग्रामीण के अध्यक्ष हैं शहर अध्यक्ष हैं PCC के सभी पदाधिकारी जो अभी नवनिर्वाचित हुए हैं जिनके कल घोषणा दी है उनको सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ तथा आशा करता हूँ कि उनके कार्यकाल में पार्टी और ऊँचाई जाएगी और आने वाला जो चुनाव है हम सब लोग मिलकर पूरी तरह से आने वाले विधानसभा के चुनाव में सफलता अर्जित करेंगे। धन्यवाद।